कहा था ना मैं कभी हार नहीं मानूंगी। हर चीज पहले जैसी करने के लिए जो मेरे बस में होगा करूंगी। एक एक टुकड़ा ही जोड़कर क्यों ना ठीक करना पड़े। मैंने इससे कई ज्यादा मुश्किल वक्त गुजारा है आमिर। फजूल है ये सब। फजूल नहीं है, वक्त है मेरे पास। माफी के लिए चाहे मुझे सारी जिंदगी इंतजार क्यों ना करना पड़े करूंगी मैं। देखो तो, वो शक्ल नहीं देखना चाहता तुम्हारी। जलील कर रहा है मुसलसल, और तुम हो जो दफा नहीं होती। भाई बस बिल्कुल अचानक हुआ सब। मैं एक्सप्लेन करना चाहता था मगर मुझे मौका ही नहीं मिला। कमाल, तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। मैं तो दिल से खुश हूं। वहां हॉस्पिटल में तो रेयान की फ्रेंड के तौर पर मिले थे हम, मगर कमाल की वाइफ निकल आई तुम। सच्ची बात है, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज है ये। मगर अच्छा ही हुआ, रेयान की फ्रेंड जाहिर है उसके जैसी ही होगी, इंतहाई समझदार और बाएखलाक। और तुम कमाल, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तुमने इतनी उजलत में कैसे कर लिया? मैं हैरान हूं वाकई, यकीन नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं हिकमत साहब,
शुक्रिया। मैं अभी दूसरी चाय लेकर आती हूं। आमिर साहब को देना है। क्या है ये? ये लेटर आमिर साहब के लिए आया है। निगार, मेरे सर में बहुत दर्द है। ऐसा करो कि मुझे चाय बना के दे दो पहले, ठीक है ना? उससे मैं ठीक हो जाऊंगी। इतनी उदास क्यों है रियान आपा? कुछ हो गया है क्या? रियान आपा, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं हुआ चंदा, परेशान नहीं हो। की तरफ से फाइनल फैसला नहीं आया अभी तक? जी नहीं, यह मामला अब अगली हेयरिंग पर चला गया है। कोशिश करें मिशाल को पता ना चले। यह सही है, मैं चाह रहा था उससे भी मुलाकात हो जाए। कब तक स्कूल से आती है वो? वो लंच टाइम के बाद आती है। अच्छा तो ऐसा करो, कल डिनर पर आ जाओ। मिशाल और नौरीन को भी अपने साथ लेते हुए आना, ताकि मैं अपनी भतीजी से भी मिल सकूं। आईडिया अच्छा और मुनासिब तो है, मगर असल में सब कुछ बहुत अफरा तफरी में हुआ। नौरीन भी बहुत एग्जॉस्टेड है, जरा बेहतर हो जाने दे उसे। तो ये फैसला तुमने अकेले तो नहीं किया होगा ना? अब तो वो यूज टू हो चुकी होगी। बुला लो हमारी भावच को, उसी से पूछ लेते हैं, देखें क्या कहती है। समझी नहीं मैं। इस बात को समझना क्या? बॉस ने आपको बुलाया है, वो पर्सनली मिलना चाहते हैं। क्यों, क्या हुआ है? मुझे क्या मालूम, बॉस ने कहा है कि अर्जेंट बुला उसे, आप फौरन पहुंचे। या अल्लाह, कहीं शिप के आने की डेट तो चेंज नहीं हो गई? कोई मसला ना हो, ओके? कैप्टन को हवा भी लग गई तो बहुत बुरा होगा। बहुत ही संभल के, हाँ, बस किसी तरह लड़की को लांच में बैठा दें तो वारे न्यारे हो जाएंगे हम दोनों के, समझे?
फोन बंद कर रहा हूं। हिम्मत कैसे? खुशामदीद। तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। समझ में नहीं आ रही इतनी सी बात तुम्हारे। हटो। तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं लेना मुझे। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं कबूल करती हूं। एक बार नहीं कई बार कह चुकी हूं, बार बार कह चुकी हूं मैं कि हां मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, मगर माफी तो मिलनी चाहिए। चाहे मुझे जितना भी इंतजार करना पड़े मैं इंतजार करूंगी आपका, क्योंकि मैं जानती हूं कि आज भी आप नहीं करता प्यार। खुद को धोखा दे रही हो तुम। नहीं है मुझे प्यार। उठाओ ये टुकड़े फौरन और जोड़ के दिखाओ इन्हें पहले की तरह। कहा था ना मैं कभी हार नहीं मानूंगी। जल्द उसे खुद अंदाजा हो जाएगा हमारे रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं, खुद ही चली जाएगी एक दिन। अब ये क्या करना चाह रही हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूं तुमसे? तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं यहां, समझी तुम? जानबूझ के कर रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे गुस्सा दिलाकर पागल करना चाहती हो, है ना? यही मकसद है ना तुम्हारा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको यह बात माननी होगी कि अब मैं यही रहूंगी। नौरीन,
कमाल से कह दिया है, कल तुम्हें भी उसके साथ आना होगा, बस थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन तो होनी चाहिए। ओके, इट विल बी गुड। स्वीटहार्ट, तुम थकी हुई तो नहीं हो? ठीक है, कल शाम मिलते हैं। भाई, आमिर अभी सेहतियाब नहीं हुआ है, बिला वजह प्रॉब्लम होगी सब लोगों को। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब मैनेज हो जाएगा, जरूरी है ये। लेट हो रही हूं मैं। कोई सीरियस बात नहीं है यार, होती तो मैं बता देता तुम्हें। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, तुम अपना काम देखो आराम से, घर पे रिलैक्स कर रहा हूं, अब तो हॉस्पिटल में भी नहीं हूं मैं। हां, घर पे हूं। नहीं यार, हर कोई मेरी केयर कर रहा है घर पे। वो यही है बिल्कुल, मुझे अकेला नहीं छोड़ा उसने, हॉस्पिटल से घर भी साथ ही आए हम। आई नो, सोना भी अटैच्ड है उससे, बहुत साथ दिया उसने। ओके, थैंक्स। निगार आमिर की बेडशीट चेंज करने आई है, मुझे तो मैं कर दूंगी। आप रहने दीजिए, मैं खुद बदल देती हूँ। अभी वो आराम कर रहे हैं, मैं बाद में बदल दूंगी, मुझे दे दो तुम। आराम कर रहा है वो, और तुम यहाँ खड़े होकर निगार के साथ बहस कर रही हो। रेहान डियर, ये डिस्टर्बेंस आमिर के लिए ठीक नहीं, हम सब तो यही चाहते हैं कि आमिर जल्दी से रिकवर हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा, और बिला वजह कमरे में इतना मचमा लगाना भी ठीक नहीं। अभी वो आराम कर रहे हैं, मैं बाद में बेडशीट बदल दूंगी, ठीक है? ये यहां से कहीं नहीं जाएगी, अब बता रही हूं मैं आपको। तुम चुगलियों की बजाय जाके कुछ काम कर लो, ये ठीक नहीं है। मैलिक आपा को शायद तुम्हारी किचन में जरूरत होगी। अब ठीक है जनरल मैम। हरगिज़ नहीं, अब किसी भी सूरत दोबारा यहां नहीं जमने दूंगी तुम्हें, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जरा मेरा कंट्रोल हो जाए तो फिर देखना कैसे निकाल के फेंकूंगी तुम्हें बाहर। आप उठेंगे, मुझे बेडशीट चेंज करनी है। अभी कल ही तो चेंज की है। आपको पसीना आया होगा? नहीं आया मुझे। हाँ ठीक है, लेकिन एक दो मिनट की ही तो बात है, आप उठ जाए ना प्लीज। नहीं करवानी चेंज मुझे। लेकिन हाइजीन के लिए बेडशीट चेंज करना जरूरी है। नहीं हुई तो क्या कयामत आ जाएगी, मर जाऊंगा मैं। ऐसी बातें नहीं करते। तो अब तुम बताओगी कैसे बात करते हैं कैसे नहीं। हाँ, क्योंकि हम बेडशीट बदलने की बात कर रहे थे और आप मरने की बात बीच में ले आए हैं। Mm-hmm.
ठीक है, यानी तुम पीछा छोड़ने पर तैयार नहीं हो। ठीक है मासी की औलाद, ये भी पीछा नहीं छोड़ रही मेरा, हमेशा गलत वक्त पर इनकी कॉल आ जाती है। जी कहिए जावेदा आंटी। जमरे मेरी जान, आमिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। तुमने तो मुझे नहीं बताया, इसीलिए मैंने कॉल कर ली। जी टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल, आपको तो पता है सोना का, सोना की भी देखभाल करनी होती है और अब तो साथ में आमिर भी है, बस इसीलिए। मूड क्यों खराब है तुम्हारा? बिल्कुल अपसेट मत हो, वहां ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें परेशान करे, ना तुम्हारी अम्मी ना रियान। वैसे जो कुछ हुआ उस पर यकीन नहीं आ रहा मुझे। चलो रियान तो फिर भी गैर है, मगर तुम्हारी अम्मी, उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो तो समझ से ही बाहर है बिल्कुल। तुम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो आमिर, जाहिर है हर्ट हुए हो। चले आ जाओ। बिल्कुल जैमरे, बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे आमिर से मुलाकात कब हो सकती है, कुछ सोचा है इस बारे में? अभी तो नहीं, प्लान करते ही बता दूंगी मैं। अच्छा मुझे आमिर को मेडिसिन देनी है, अभी बंद कर रही हूँ। ये एक ही कम थी क्या कि दूसरी भी आ गई? कब पीछा छोड़ोगी तुम दोनों मेरा? लगता है अभी तक खत किसी ने नहीं पढ़ा। जैमरे, जैमरे, जैमरे कहाँ हो तुम? जैमरे, 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 जैमरे। सुना? नहीं, जैमरे कहाँ हो तुम? ठीक तो हो तुम? कहाँ हो तुम जैमरे? सुना? जैमरे, सुना? सुना? सुना कुछ नहीं हुआ, उठो प्लीज, उठ जाओ। जैमरे, जैमरे कहाँ हो? सुना? जैमरे, सुना? नहीं, जैमरे, ये सब मुझे। सोना, सोना तुम ख्वाब देख रही हो, सोना जाग जाओ, सोना उठो, आंखें खोलो प्लीज, उठो सोना। जैमरे, सोना, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ख्वाब था, प्लीज पुरसुकून हो जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोना तुम नींद में कुछ बोल रही थी, मुझे आवाज आई तो मैं आ गई। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, दफा हो जाओ। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, सिर्फ ख्वाब था। तुम यहाँ क्यों आई? क्यों आई हो मेरे रूम में? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे नफरत है, क्यों आ जाती हो मेरे सामने? ठीक है मेरी जान, परेशान नहीं हो, यहाँ से चली जाओ, देख नहीं रही क्या हालत हो रही है इसकी? चली जाओ, चली जाओ, खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। इससे पहले कि इसकी कंडीशन और बिगड़ जाए तुम चली जाओ फौरन यहाँ से, नजर नहीं आ रहा कितनी अजियत में है, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती ये तो। सोना, जैमरे मुझे अकेला मत छोड़ना। ओके, मैं हूं ना यहाँ, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। तुम अब कहीं मत जाना। सोना, रिलैक्स, बस कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना, ओके, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है,
वो जा रही है। परेशान मत हो मेरी जान। कहाँ चली गई ये लड़की? कह दिया ना नहीं करना, वो चैप्टर क्लोज हो गया है। नहीं, कोई ऐसा काम नहीं, सब खत्म हो गया ब्रो, सब खत्म हो गया। नहीं, उससे नहीं मिलना मुझे। सैफी देखो, आखिरी बार बता रहा हूं, बात खत्म, मैं अब वो काम नहीं करूंगा। भाई आप मुझे गलत समझ रहे थे, मैं बस अलविदा कहने आया था। कैसा अलविदा? मैं जा रहा हूं, एक दिन लाला ने कहा था चले जाओ, बस छोड़ दो सब कुछ। उस वक्त मैं नहीं छोड़ सका, अब छोड़ रहा हूं जब वो कब्र में सो रही है। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? लैला से वादा किया था कि अब कोई गलत काम नहीं करूंगा। कोशिश करूंगा, कैसे करूंगा नहीं मालूम, लेकिन बस बहुत हो गया। दोबारा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाहे नाकाम हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन लौटूंगा नहीं। लैला से जो वादा किया उसे निभाऊंगा। टिकट खरीद लिया मैंने, इजमीर जा रहा हूं मैं। इजमीर क्यों? वहां कुछ दोस्त हैं मेरे, शायद कुछ काम मिल जाए। पूछा तो क्या कहूंगी? जल्दी से बोलो, क्या बात करनी थी, क्यों बुलाया है, देर हो रही है मुझे। सबर करो, कैप्टन का वेट कर रहा हूं, वही बात करेंगे। तुम यार जल्दी आओ, इससे पहले कि लड़की समझ जाए हमें उसका काम तमाम कर देना है। एक्सीडेंट के बाद जब आपको होश आई तो आप सबसे पहले इसी को ढूंढ रहे थे, क्यों? आप
आप चुप रहे, जवाब मैं दे देती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आज भी आप नहीं करता प्यार। खुद को धोखा दे रही हो तुम, नहीं है मुझे प्यार। उठाओ ये टुकड़े फौरन और जोड़ के दिखाओ इन्हें पहले की तरह। सही कहा, मगर सोना का ये रवैया अजीब है। ये सिर्फ उसका गुस्सा ही नहीं है, सोना के सिलसिले में बात करनी थी। जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अगर सोना की कंडीशन ठीक नहीं है, मुसलसल नाइटमेयर्स आ रहे हैं उसे और नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो रही है, क्या आप प्लीज उसे एक दफा चेक कर सकते हैं? उसकी मेडिसिन भी ऑलमोस्ट खत्म है। 10 दिन की थी? नहीं, बस 2 दिन की होंगी मेडिसिंस तो। ठीक है, मैं एक दफा दोबारा देख लेती हूँ। ठीक है, मगर फिर भी अच्छा होता अगर आप एक दफा देख लेते। मैं किसी भी तरह से उसे तैयार करके ले आऊंगी। हैव अ नाइस डे। दो गोलियां हैं, 2 दिन की मेडिसिन है उसमें तो। मैलिक आपा? हाँ, क्या आपने जेमरे को देखा? गार्डन में देखा था अभी उसे। ठीक है, तुम क्यों आए हो यहाँ? कहा था ना कि इस तरह भूल के भी मत आना। ठीक है, नाराज मत हो मैम, आइंदा नहीं आऊंगा। मेरा फोन खराब हो गया था इसलिए मेडिसिन देने में खुद आ गया। ओके, वो दवा मुझे दो, आइंदा कभी मत आना यहाँ। ओके मैम। जेमरे? हाँ बोलो। कुछ बात करनी है। क्या क्या बात है? सोना, सोना की कंडीशन ठीक नहीं। तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ दिन के मेहमान हो तुम यहाँ, इन चीजों की फिक्र करना छोड़ दो। और मैं हूं ना यहाँ, जो करना होगा मैं कर लूंगी।
कहीं वॉक करने निकली और गुम हो गई हो। खुद को बहुत होशियार समझती है मगर रास्तों से तो वाकिफ नहीं है और अपनी ईगो में कॉल ना कर रही हो। बॉस की कॉल आई थी, वो रास्ते में है, बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। आपके लिए कुछ चाय कॉफी वगैरह? नहीं शुक्रिया। घबराओ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शिप 3 हफ्ते बाद जाएगा। 3 वीक्स क्या मतलब, तुमने तो 2 वीक्स कहा था। अरे हाँ 2 हफ्ते बाद, मैं भूल गया था। मैं आपके लिए चाय ले आता हूँ। सैफर भाई आ गए स्टोर से? आ गया है, सामान ले आया है, मैंने फ्रिज में रख दिया है। निगार टेबल पर जरा जगह बना दोगी? लेकिन शाम का खाना तो मैं बना रही हूँ। तुम चाहो तो थोड़ा रेस्ट कर लो। आमिर साहब के लिए सूप बना रही हैं क्या आप? हाँ हड्डियों का सूप, हड्डियों के लिए बेहतरीन होता है ये। लेकिन आमिर साहब का खाना तो तैयार है, जैमर मैम ने कहा है कि स्पेशली मैं बना रही हूँ ना। चले मुझे कुछ काम है, मैं वो कर लेती हूँ इतनी देर में। क्या बना रही हो तुम? हड्डियों का सूप। हड्डियों का सूप, अच्छा आमिर का फेवरेट है। गलत मत समझना मुझे, कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। सोना को देखा? तुम्हें नहीं देखना चाहती वो, और आमिर भी। तुम पर शदीद गुस्सा है उन्हें, तुम्हारी वजह से उन पर बहुत मुश्किल वक्त आया जो उन्होंने किसी तरह गुजार दिया। मैं बहुत हैरान हूँ, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं था कि क्या तबाही करके जा रही हो? रेली अंदाजा था मुझे। शाबाश। कोई और सवाल है क्या? नहीं तो, मगर काश के मैं पहले उन्हें ज़हनी तौर पे तैयार कर लेती, फिर शायद कोई चांस तो होता तुम्हारे पास। ज़रूरत नहीं थी, मैं सब कुछ सही कर दूंगी, बस थोड़ा सब्र और थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। और हाँ, थोड़ी खामोशी भी। यार कहां रह गए? लड़की को शक हो रहा है, बस जल्दी पहुंचो। सुनो, अगर लड़की को उनके हवाले ना कर सका तो बहुत बुरा होगा। हाँ? हे रुको, कहां भाग रही हो? रुक जाओ, भागो मत। कॉल रिसीव करो। क्या गैर जिम्मेदारी है ये? तुम्हें ढूंढ लिया ना मैंने तो फिर छुपने की जगह नहीं मिलेगी कहीं।
ये क्या है? हड्डियों का सूप, हर रोज बना कर दूंगी। सूप वूप नहीं पीना मुझे अभी। मैंने बनाया है इसीलिए कह रहे हैं ना ऐसा? हाँ तुमने बनाया इसीलिए नहीं पीना मुझे। मगर आपकी हड्डियों की ताकत के लिए बहुत जरूरी है आमिर, और आपको जल्द से जल्द ठीक होना है या नहीं? फिर वही फजूल बात है, मुझे ये सूप हरगिज नहीं पीना। ले जाओ इसे तुम। ऑलिव ऑयल में डाइट मील बनाई है तुम्हारे लिए। आई रियान डियर, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, जब आमिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो तुम वहां नहीं थी, तो तुम्हें पता नहीं चला। आमिर को किसी भी तरह का एनिमल फूड मना है, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल हाई है ना इसका। डॉक्टर ने जो डाइट बताई है वही बना रहे हैं हम। सूप बनाने में काफी मेहनत की तुमने, मगर अच्छा तो ऐसा है, निगार ये सूप जरा किचन में रख के आ जाओ तुम, ये मैं खिला दूंगी इन्हें। महक तो बहुत अच्छी है। अगर इस तरह से कंफर्टेबल नहीं होंगे आप, ऊपर हो जाएं। हाँ इन सब्जियों का सीजन खत्म हो रहा है, जल्दी से खा लीजिए सीजन खत्म होने से पहले। मगर एक मिनट रुकिएगा प्लीज, शुरू नहीं करना। जेमरे सूप बहुत मजे का बना है, पीना हो तो पी लेना तुम। मैं जरा सोना को देख के आई। ये सब मैंने नहीं बनाया है, आप आराम से खा सकते हैं, उम्मीद है पसंद आएगा।